वेस्ट बंगाल रिलेटेड फैक्ट, आज लास्ट स्टेट है वेस्ट बंगाल, अभी तक हम बात करें ए टू जेड हमारे सारे स्टेट, अभी ए टू जेड ना कहना कि सर जेड जेड से कौन सा है, मतलब ए टू जेड मेरा मतलब है कि जितने भी स्टेट हैं उनका हम डिस्कशन कर चुके हैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, लास्ट वन हमारा वेस्ट बंगाल है, इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 26 जनवरी 1950, कैपिटल इज कोलकाता, ये जो कि हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है और यही लार्जेस्ट सिटी है, कोलकाता ही कैपिटल है, कोलकाता ही लार्जेस्ट सिटी है वेस्ट बंगाल की। ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर है। लेजिस्लेचर की बात करें, यूनिकैमरल सीटों की बात करें, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें या विधानसभा की सीटों की बात करें तो टोटल 295 सीटें यहां पर। केशरीनाथ त्रिपाठी की बात करें, ही इज अ गवर्नर ऑफ द वेस्ट बंगाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेगा। एंड ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें, देखिए बंगाली और इंग्लिश आपको आई होप सो दिख रहा होगा, टोटल यहां पर हमने समझ लिया कि लेजिस्लेटिव असेंबली कितनी, मतलब विधानसभा की सीट कितनी है, 295, जरा टेक्निकली मैं स्क्रीन को जूम कर दीजिए, और डिस्ट्रिक्ट है 23, लोकसभा की सीट है 42 और राज्यसभा की सीट है यहां पर 16। तो यहां पर समझने वाली बात रही कि इसका डीएलआर नंबर क्या रहा, 23, 42, 16, मतलब 23 डिस्ट्रिक्ट रहे। लोकसभा सीटों की बात करें 42 रही हैं और राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें यह 16 है। जिन स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है उसमें उड़ीसा है, झारखंड है, बिहार है, सिक्किम है, असम है। एंड मैं बॉर्डर कंट्री की बात करें तो बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। कलकत्ता हाईकोर्ट की बात करें, इसके चीफ जस्टिस अभी रिसेंटली बने हैं देवाशीष कर गुप्ता, में बिल्कुल लास्ट वीक में ही इनका नाम पढ़ाया है, देवाशीष कर गुप्ता हैज बीन इलेक्टेड, हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ जस्टिस ऑफ द कलकत्ता हाईकोर्ट। गाइस प्लीज 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 याद रखते चलेगा, आई होप सो सारी बातें आपके क्लियर यहां तक हो रही होंगी। प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दें यस सर बिल्कुल हमारे क्लियर हो चुका है। ओके इट्स नॉट बंगाली इट्स बंगाली, भाई माफी दीजिएगा, माफ करिएगा, इट्स बंगाली इट्स नॉट बंगाली, ठीक है भाई माफ करिएगा, मैं कभी कभी प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो जाता है, लेकिन दोस्त मेरी भावनाओं को समझा करिए, मेरी भावनाएं आपको ठेस पहुंचाने की नहीं है, भावना मेरी बंगाली कहती है बट मेरी जवान बंगाली कह जाती है, तो भावनाओं को समझिए बंगाली कह रही है वो भी। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको देख लेते हैं जरा मैप के थ्रू लोकेशन, और पहले देखते हैं ये अपना वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल की बात करें देखिए उड़ीसा से बॉर्डर शेयर कर रहा है, झारखंड से बॉर्डर शेयर हो रहा है, अभी मैं स्टेट की बात कर रहा हूं बिहार से, ये वाला पार्ट सिक्किम से है और ये वाला पार्ट आप देखेंगे असम से। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट की बात करें तो यहां पर 5 स्टेट रहे, कौन कौन से रहे, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम या असम, ये सारे स्टेट हैं जिन जो कह सकते हैं कि वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर यहां पर शेयर कर रहे हैं। एक वेस्ट बंगाल और दूसरा उड़ीसा को मैं अक्सर उड़ीसा कह जाता हूं, बट वो उड़ीसा है और वह ये वेस्ट बंगाल है। अब जरा समझ लेते हैं, गौरुमारा नेशनल पार्क, बक्सा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, सिंगलीला, जल्दापारा, सुंदरवन एंड मयूर, यदि जरा समझना ये वाला नया ऐड किया है यहां पर, मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व, ये इंपॉर्टेंट है। गौरुमारा नेशनल पार्क, बक्सा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क एंड मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व ऑल आर लोकेटेड इन द वेस्ट बंगाल। भल्लभपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महानंदा एंड चपरामारी, बैतुदहारी, सेंचल एंड रामना बगान एंड सजना खाली, मेरा फोकस अब वेस्ट बंगाल को याद कराने का रहेगा क्योंकि ये स्टिल अभी तक मुझे भी याद नहीं, तो मुझे नहीं लगता बच्चों को भी अभी याद होंगे, तो भाई हमारा फोकस रहेगा कि इनका रिविजन बेहतर तरीके से किया जाए। वेस्ट बंगाल के चाहे नेशनल पार्क हो चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, ये भी हमें रटी हुई होनी चाहिए। फोक डांस की बात करें, काथी रहा, गंभीरा रहा, धाली, जतरा, बाउल, मरशिया एंड महल एंड कीर्तन, ये कुछ फोक डांस हैं जो कि आपको याद रखने हैं वेस्ट बंगाल के हैं, ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए।